Dear students, today we'll be studying about the methods and techniques of pathology. After this lecture, I'll be showing from the lab also. So there are different techniques by which the lab methods are being applied. That means when a sample is taken, how it is being done. There are different methods. So first we'll see about histopathology. हिस्टोपैथोलॉजी वो चीज़ होता है जब हम किसी भी ऑपरेशन करके, जैसे आपकी मम्मी का कभी यूट्रस का ऑपरेशन सुना होगा या किसी का ब्रेस्ट लम्प का ऑपरेशन सुना होगा, वो जैसे भी चीज़ जो भी ऑपरेशन होता है जिसमें हम कोई ऑर्गन का रिमूव करते हैं, तो वो ऑर्गन का रिमूव करते हैं तो वो ऑर्गन को हम ग्रोस में यानी पूरे टोटैलिटी में हम देखते हैं ऑर्गन जो निकालें उसको, वो कैसा है, उसका शेप कैसा है, वेट कितने का, उसमें कुछ अबनॉर्मैलिटीज बाहर से दिख रही है क्या, यानी नेकेड आई अपेयरेंस में एज वेल एज हम जब उसको क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो दोनों चीज़ उसमें आता है, दैट इज़ हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी के इट डील्स विद द ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज, ग्रोस भी देखते हैं प्लस माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखते हैं। द टिश्यूज आर रिट्राइव्ड सर्जिकली फ्रॉम द बॉडी एंड सेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजी फॉर एग्जामिनेशन, तो बॉडी से निकाल के उसको हिस्टोपैथोलॉजी में निकाला जाता है। इसको करने के पहले कई इसका सेक्शंस होता है, तो उसको पहले जैसे वो क्रॉस सेक्शन लेके आते हैं पहले उसको पैथोलॉजिस्ट देखता है, देखने के बाद में उसको 3 से 4 मिलीमीटर थिकनेस में उसको काटा जाता है और उसके बाद में उसे सर्टन प्रोसेस है। तो अपन अब देखेंगे उसको प्रोसेस क्या, प्रोसेस ऑफ फर्स्ट है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है कि अपन जब भी और उसको लिए हैं, जो भी सैंपल आया है उसको हमको फिक्स करना है। तो फिक्स कैसे करते हैं, क्योंकि टिश्यूज़ जैसे क्योंकि हम काट के निकाल दें, हमारे बॉडी से कट गया है वो, तो उसमें ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गया, ऑक्सीजनेशन ख़त्म हो गया, तो बहुत जल्दी क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ने लगेगा। तो उसको हमको प्रिवेंट करने के लिए क्या है कि उसको सबसे पहले हम उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। तो प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, दैट इज़ बाई पुटिंग इन सर्टन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, क्योंकि नहीं तो डिकम्पोज होगा तो सड़ेगा, उसके साथ में क्या एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स उस पर होगा, एज वेल एज बैक्टीरिया उसमें बैठने लगेंगे, यानी इन्फेक्शंस स्प्रेड होगा इन्फेक्शंस। तो उसके पहले हम उसको फिक्सेशन अपन किस में करते हैं, इट इज़ तो वो स्टेप को बोलते हैं, तो टिश्यू प्रोसेसिंग, उसको टिश्यू प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो उसको एक्चुअली फॉर्मेलिन यूज़ किया जाता है, फॉर्मेलिन यानी 40 जो फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हैं, 40% फॉर्मेल्डिहाइड को लेके उसको पानी में मिलाते हैं, दैट वो फिक्सेशन में अपन करते हैं। ऑर्गन काटे उसको देखे, उसके बाद अपन उसको प्रिजर्व किए, किसी प्रिजर्वेटिव में रखे, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, 40% फॉर्मेल्डिहाइड डाइल्यूटेड इन वाटर, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेलिन। सेकेंड स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग। इस टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या है, इसको उसको डिफरेंट काटना पड़ता है, उसको पतला काटना पड़ता है। तीन इस स्टेज में क्या करते हैं, जो फिक्स टिश्यू अपन ने जिसको काटा है उसको उसके अंदर का डिफरेंट प्रोसेस है, उसको काट दिया उसके अंदर का पानी को रिमूव करना है। पानी को रिमूव करने के लिए अपन उसको एक मीडियम में डालते हैं, दैट इज़ यूजुअली पैराफिन, लिक्विड पैराफिन में अपन डालते हैं, वैक्स पैराफिन में। नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन। पैराफिन में डाल दिए क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर में पानी है और पानी को निकालना है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। तो इस स्टेप में क्या करते हैं, वाटर जो फिक्स हुआ है वो फिक्सिटिव को हम जो फिक्स टिश्यूज़ को हम निकाल के उसमें डिहाइड्रेटिंग फ्लूड में डालेंगे। वो डिहाइड्रेटिंग यानी जो पानी खींचेगा उसको क्या बोलते हैं, अपन यूजुअली इथाइल अल्कोहल में डालते हैं, और इथाइल अल्कोहल में डालने के बाद उसको वैक्स में डालते हैं। तो ये इथाइल अल्कोहल में जो पहले जो पैराफिन में डाले थे उसको निकालने के लिए उसको हमको 70% से 100% अल्कोहल के अंदर में कई बार निकाल के डिप करना पड़ता था, वो पूरा निकलता है उसको, तो दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो उससे पूरा पानी निकल जाता है। देन थर्ड इज़ क्लियरिंग। क्लियरिंग में क्या करते हैं कि इन दिस स्टेप डिहाइड्रेटिंग एजेंट इथाइल अल्कोहल जो यूज़ हुआ है इज़ रिप्लेस बाय ए मीडियम इन विच पैराफिन इज़ कम्प्लीटली। तो उसको क्या है कि पैराफिन में डालते हैं, क्योंकि पैराफिन क्या कम्प्लीटली सॉल्युबल है। तो जो हमने जो टिश्यू लिया है वो डिहाइड्रेशन पूरा डिहाइड्रेशन करने के बाद जब हम लिक्विड पैराफिन में डालते हैं तो पूरा सॉल्युबल है ना, क्लियर ट्रांसपेरेंट पूरा दिखता है, उसके कारण उसके अंदर क्या चीज़ है वो ठीक से पैथोलॉजिस्ट देख पाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इम्प्रिगनेशन। इम्प्रिगनेशन में क्या करते हैं, इसमें जो क्लियरिंग एजेंट है इज़ रिप्लेस बाई मॉल्टेड पैराफिन वैक्स। मोटा वैक्स को ये करते हैं जिससे कि टिश्यू हार्डन होता है, तो कि क्या है कि बाद में अपन को जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं उसका हैंडलिंग करने में इजी होता है।
और उसका नेक्स्ट स्टेप है टिश्यू एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग। तो इसमें क्या जो इम्प्रिग्नेटेड जो टिश्यू है उसको निकाल के, क्योंकि अब मॉल्टेड वैक्स में डाला तो थिक हो गया, उसको निकाल कर फॉर्म पीसेस में पतला काट के उसको उसके ऊपर एक एक प्लास्टिक वो डालते हैं, उसको डाल के उसको बंद कर देते ताकि वो टिश्यू स्प्रेड ना हो, जो ख़राब ना हो जाए, उसका फॉर्म वैसे मेंटेन हो उसके लिए। तो दैट इज एम्बेडिंग, स्लाइड पे टिश्यू को रखें, उसके ऊपर में छोटा सा स्किन स्लाइड कवर होता है उसको डाल के फिक्स कर देता है। तो दैट इज टिश्यू एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग। तो ये था हिस्टोपैथोलॉजी का फर्स्ट स्टेप जो फिक्सेशन के अंदर में पूरा आता है। नेक्स्ट इज माइक्रोटोनी। माइक्रोटोनी में क्या करते हैं, हमने जो ब्लॉक्स बनाए हैं उसको क्या करते हैं, उसको पतला सेक्शंस में काट के स्लाइड में रखते हैं। और ये इसके लिए एक माइक्रोटोनमी बोल के एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इसको काटते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे में रखते हैं और फिर उसको अलाउ करते हैं। और उसके अलावा अनदर मेथड से फ्रीज करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, रोकिंग करते हैं उसको। और ये सेक्शंस को क्या है, 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन पानी में डालते हैं, जो कि 5 to 10 डिग्री गर्म है उसमें डालते हैं। और तो उससे कहते हैं कि वैक्स पूरा सॉफ्टन हो जाता है। सॉफ्टन हो जाने के बाद में उसको एक एल्बुमिन में उसको डालते हैं, फिर उसको स्लाइड में, उसके बाद में जो उसको स्लाइड में डालते हैं। देन हेपेटो, अब वो माइक्रोटोमी हो गया ना, पूरे टिश्यूज कट गए, अब नेक्स्ट उसको स्टेनिंग करना है। तो हिमाटोटॉक्सिन और इओसिन स्टेनिंग करते हैं। तो यूजली हिमाटोटॉक्सिन स्लाइन क्या है कि ये ज़ाइलिन से स्टेन करते हैं, ज़ाइलिन टू अल्कोहल से स्लेन करते हैं इसको, ये क्लीन करके उसको हिमाटोसोलिन से स्टेन करते हैं। हिमाटोसोलिन एक्चुअली जो हमारे सेल्स का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियस को स्टेन करता है हिमाटोज़ाइलिन। और इओसिन जो है वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। फिर माउंटिंग एंड कवर स्लिपिंग, इसके बाद में ये स्टेन होने के बाद में अपन जो टिश्यू है उसको माउंट करते हैं, एक मीडिया के अंदर में डालेंगे, फाइन पीस ऑफ ग्लास से कवर स्लिप से उसको कवर करते हैं। ताकि क्या है, वो क्यों कवर करते हैं, ताकि वहाँ पे वो जो हम फिक्स किए वो शेड ना हो, ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी नहीं ख़राब हो, और हम उस टू सेक्शन को हम बहुत सालों तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। यूजली म्यूजियम्स वगैरह में जाते हैं, बट जब मेडिकल स्टूडेंट जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं पैथोलॉजी में, ये स्लाइड सब उनको दिखाया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करके बताना रहता है, तो वो उसको डाल के बहुत साल तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अनदर, ये हिस्टोपैथोलॉजी अदर्स टेक्निक्स क्या क्या है जो करते हैं। फ्रोजन सेक्शन में क्या होता है कि जो हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन है जो अपन टिश्यू से निकालते हैं वो अंडर फ्रोजन कंडीशन में निकालते हैं। इसमें एक ये जब सर्जरी होती रहती है उसी के बीच में इंट्रा ऑपरेटिव ड्यूरिंग द सर्जरी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के तरीके से इसको निकालते हैं। मेनली ये मैलिग्नेंसीज को कंफर्म करने के लिए करते हैं। और इसको बाय क्रायोस्टैट, उसका मेथड जो करते हैं वो क्रायोस्टैट बोलते हैं। इस ये रेफ्रिजरेटेड चेंबर में विथ टेम्परेचर कंट्रोल करता है, उसके अंदर में इसको कैरी करता है। देन डी कैल्सिफिकेशन क्या है कि यूजली जो हमारे शरीर के टफ चीज़ें जैसे बोन है, टीथ है, वो सब हार्ड रहता है, तो इसके ऊपर में उसको केमिकल से ट्रीट करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो। तो उसके कारण द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यूज इन ऑर्डर टू डीमिनरलाइज दम इज कॉल्ड डी कैल्सिफिकेशन। तो उसमें एजेंट्स जो यूजली डालते हैं, EDTA डालते हैं, दैट इज डाइसोथियम सोडियम मिथिलीन डाई अमाइने टेट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो उसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि डी कैल्सिफिकेशन जरूरी है, नहीं तो क्या कि वो अपन उसको काट नहीं सकते, तो इसलिए उसको सॉफ्टन करने के लिए ये सोल्यूशंस केमिकल्स में डाल के उसको निकालते हैं उस चीज़ को। फिर ऑटोप्सी पैथोलॉजी, ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या है, ह्यूमन बॉडी का करते हैं। जब अपन को जब किसी का डेथ हुआ है तो उसमें हमको कुछ डाउट रहता है, यूजली उसमें अपडोमेन और थोरैक्स को खोला जाता है कि अपडोमेन में कोई पॉइजनिंग वगैरह तो नहीं है देखने के लिए, थोरैसिक में कार्डियक अरेस्ट के रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या देखने के लिए, प्लस एक एक ऑर्गन को खोलते हैं। और इसको क्या है कि इसको दो टाइप से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, दैट इज अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर मॉडिफिकेशंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसको कई टाइप का होता है, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप,
इसके अंदर में यूजली ये पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप यूजली क्या देखता है, फाइबर्स, पिगमेंट्स, क्रिस्टल्स वगैरह को देखता है. एंड देन दूसरा डार्क ग्राउंड एल्यूमिनेशन. डार्क ग्राउंड एल्यूमिनेशन एग्जामिनेशन ऑफ अनस्टेन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो स्टेन नहीं होता, जो हम स्टेन करते थे, जो स्टेन नहीं होता है उसको वो डार्क ग्राउंड एल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोप में दिखता है. फिर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसमें अनस्टेन्ड लाइव सेल्स, जिंदा सेल्स जो है, जो सेल्स यानी कि फगोसाइटोसिस, फगोसाइट फॉर एग्जाम्पल फगोसाइटोसिस है जो खुद से हमारे सेल्स को सेल्स ही खा रहा है, दैट इज़ फगोसाइटोसिस, उसको हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट करते हैं. सभी एक ही माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट लेंस लगे हुए हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व अल्ट्रा स्ट्रीम सेल्स के अंदर का थ्री डायमेंशनल फिगर इसमें दिखता है. देन फ्लोरेन माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में क्या है कि जो भी स्टेन्ड चीज़ है लाइक स्पेशली एंटीबॉडीज, वो फ्लोरेसेंट डाई से जो स्टेन चीज़ है उसको दिखता है, दैट इज़ फ्लोरेसेंट. फिर द नेक्स्ट जो चीज़ करते हैं दैट इज़ इम्यूनोफ्लोरेसेंस. इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है, इट आइडेंटिफाइज एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स एट सब सेलुलर लेवल्स इन द टिश्यूज. एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स को जब सब सेलुलर सेल्स के अंदर में जो है उसको देखता है, स्पेशली इसमें मेनली जो DNA RNA वगैरह को, जो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को देखते हैं एकदम सेल्स के एकदम अंदर के अंदर, तो सब सेलुलर लेवल्स इन द टिश्यू. दिस इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ, इसमें यूजली एंटीबॉडीज यूज करते हैं. इस फंक्शन के डिटेक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज इन सीरम, दैट इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन रीनल डिजीज, स्किन डिसऑर्डर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस मेकर. फिर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स लाइक वायरल हेपेटाइटिस वगैरह को डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं. फिर है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री. इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में क्या है, मेन एप्लीकेशन इसमें है कि हम ट्यूमर सेल्स को देखने के लिए, तो डिटेक्शन ऑफ लीनिएज ऑफ ट्यूमर सेल्स, उसकी हेरिडिटरी की लेवल क्या वो देखते हैं. देन डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स ऑफ अनसर्टेन ऑरिजिन, उसका ऑरिजिन क्या पता करने के लिए देखते हैं. देन प्रोग्नोस्टिकेशन ऑफ ट्यूमर्स बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन, उसमें क्या कि हिस्टो केमिस्ट्री करते थे, उसके उसमें क्या कि मेनली ट्यूमर्स में के कंडीशंस में इसको करते हैं. देन साइटोजेनेटिक्स. साइटोजेनेटिक्स क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज. क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज में जिसमें एक्स्ट्रैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है कि माइनस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स में कुछ डिफेक्ट है, वो सब क्या है कि साइटोजेनेटिक्स के थ्रू देखते हैं. देन मॉलिकुलर पैथोलॉजी, ये डिटेक्ट करते हैं अबनॉर्मैलिटीज एट द लेवल ऑफ जेनेटिक मेकअप स्पेल्स. इसमें मेनली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन DNA, और DNA में कुछ चेंजेस होता है तो DNA कितने बार भी चेंज हो सकता है, वो बहुत बार उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और दूसरा है इनसाइटो हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में इट क्या है कि लोकलाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का लोकल जो न्यूक्लिक एसिड है उसको फाइंड आउट करता है, तो दैट इज़ मॉलिकुलर पैथोलॉजी जो होती है. फिर है फ्लो साइटोमेट्री. फ्लो साइटोमेट्री में इसमें मेनली न्यूप्लाजम्स का प्रेजेंस एब्सेंस है, उसका एंटीजन एक्सप्रेशन कैसा है, उसको देखने के लिए क्या है फ्लो साइटोमेट्री करते हैं. तो दिस वाज द डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ पैथोलॉजी जो करते हैं. तो हमने टू समराइज, हमने क्या क्या देखा, हिस्टोपैथोलॉजी देखा, फ्रोजन सेक्शन में कैसा करते हैं, डिकैल्सिफिकेशन, ऑटोप्सी पैथोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरोसेंस, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिकुलर पैथोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री, इतने चीज़ें हम इसमें देखें. तो स्टूडेंट्स गो थ्रू द टॉपिक और राइट एन असाइनमेंट ऑन दिस मेथड्स एंड सबमिट इट टू मी. थैंक यू.
methods. Today we'll be taking just the introduction of हानी मैं भी निकल रही मैं देखे रिकॉर्ड नहीं हूँ हाँ नहीं नहीं मैं जा रही हूँ सोचे कर देती करके हम डेली डेली और सर को मैं मेल भेज दी हूँ नहीं मेरे को ये जानना है कि ना बच्चे लोग को दिखेगा क्या कैसा हाँ? दिखेगा बच्चे लोग को हाँ यूट्यूब पे जाके हम लोग आपका नाम लिखेंगे ना आपका पूरा वीडियो आ जाएगा नहीं रे ऐसा नहीं होगा मालूम उनको लिंक देना पड़ेगा लिंक देना पड़ेगा तो लिंक दे दे रहे हैं तुम लोग बच्चे लिंक तो मिल लो क्या इन बस सर पूछ रहे कौन कितना कितना दे रहा है नहीं वो तो उनको उसमें दिख जाएगा ना बट नहीं इसमें इन तो अगर वो दे रहे हैं कि उनको अगर उससे वो नहीं है तो दैट मीन्स मैं भी एक करी लेकिन वो नहीं आया हड़बड़ी में करी ना रिकॉर्ड नहीं हुआ